दोस्तों, वैसे तो आप साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनकी लाइफस्टाइल, फैमिली, हाउस, कार कलेक्शन, नेटवर्थ, इनकम, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम आपको उनकी कुल संपत्ति से रूबरू करवाने वाले हैं। फिल्मों में अभिनय के अलावा नागार्जुन व्यापार रूप से एक सफल व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी नेटवर्थ $123 मिलियन आंकी गई है, जो भारतीय मुद्रा में 800 करोड़ रुपए है। नाग की मासिक आय हर महीने 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। अक्किनेनी नागार्जुन की आय का मुख्य स्रोत उनके व्यापारिक सौदों और छोटे पर्दे पर शो की मेजबानी से बताया जाता है। कथित तौर पर टॉलीवुड में नाग एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो कई व्यवसायों के माध्यम से फिल्मों से अधिक कमा रहे हैं। वह जुड़वा तेलुगु राज्यों से प्रमुख व्यवसायियों में से एक हैं। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए नागार्जुन ANR के बेटे के रूप में बचपन से ही अमीरों का नेतृत्व कर रहे हैं। एक अमीर बच्चा होने के नाते वह विभिन्न शीर्ष कार ब्रांडों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। कथित तौर पर स्टार अभिनेता के पास कई कारें हैं, जिनमें BMW 7 सीरीज और Audi A7 शामिल है, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से लेकर 125 करोड़ रुपए तक की बताई जाती है। नागार्जुन का हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक प्रमुख इलाके में एक घर है। घर के अलावा नाग के पास जुड़वा तेलुगु राज्यों में कई संपत्तियां और जमीनें हैं। वे अपने पिता द्वारा स्थापित अन्नपूर्णा स्टूडियो के भागीदारी में से एक हैं। 7 एकड़ में स्थित स्टूडियो फिल्म शूटिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टूडियो में से एक माना जाता है और इसका मूल्य 200 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। नाग हाईटेक सिटी में एन कन्वेंशन सेंटर में भी मालिक हैं और कुछ भव्य होटलों और रेस्तरां के मालिक भी हैं। सूत्र बताते हैं कि नाग के पास हैदराबाद और रेंगा रेड्डी जिले के आसपास सैकड़ों एकड़ की जमीन है। उनके पास कुछ खेत भी हैं। 29 अगस्त 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में अक्किनेनी नागेश्वर राव और अन्नपूर्णा के घर जन्मे नागार्जुन की उम्र 63 साल हो गई है। नागा ने अपनी स्कूली शिक्षा द हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की और बाद में हैदराबाद के लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। नाग ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुड्डी अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक वर्ष पूरा किया। उन्होंने मिशिगन और पूर्वी मिशिगन विश्वविद्यालय में मैकेनिक इंजीनियर के BSA अर्जित की। 1984 में नाग ने महान फिल्म निर्माता दिग्गू बाती रामायणाडू और इकलौती बेटी लक्ष्मी से शादी की। वह प्रसिद्ध अभिनेता वेंकटेश और प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता सुरेश बाबू की बहन है। 29 नवंबर 1986 को नागा चैतन्य के नाम के एक बेटे के होने के बाद 1990 में दोनों का तलाक हो गया। बाद में नागार्जुन ने 11 जून 1992 को अभिनेत्री आमला से शादी की और दंपत्ति का एक बेटा अखिल अक्किनेनी है, जिसका जन्म 8 अप्रैल 1994 को हुआ। सामाजिक नाटक करने के अलावा नाग ने अन्यमन्या, शिरडी साईं और ओम नमो वेंकटेशया जैसी फिल्में भी की, जिससे उन्हें पारिवारिक दर्शकों के बीच भी अच्छी प्रसिद्धि मिली। कई राज्य फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के अलावा 1913 में नागार्जुन ने बॉलीवुड के रमेश सिप्पी और विशाल भारद्वाज के साथ दिल्ली फिल्म महोत्सव में 100 साल के भारतीय सिनेमा समारोह में दक्षिण भारत के सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया। 1995 में नाग ने सेल्स में एक प्रोडक्शन यूनिट के साथ फिल्म निर्माण में कदम रखा। वे हार्ट एनिमेशन नामक एमी पुरस्कार विजेता फिल्म एनिमेशन कंपनी से सह निर्देशक थे। नाग हैदराबाद स्थित अन्नपूर्णा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया से सह स्थापक और अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, आपको आपके चहेते कलाकार नागार्जुन के बारे में जानकर कैसा लगा है? उनकी लाइफ स्टाइल आपको कैसी लगी? उनकी फिल्म आपको कैसी लगती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ सेलिब्रिटी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।